दोस्तों रविंद्र जडेजा के शानदार 6 बॉल में 6 छक्कों के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय टीम के ऑलराउंडर और टेस्ट क्रिकेट के टॉप गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन इंटर डिस्ट्रिक्ट टीवी टूर्नामेंट के एक मैच में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए। राजकोट में खेले गए मुकाबले में जडेजा ने जामनगर की तरफ से खेलते हुए अमरेली के विरुद्ध 69 गेंदों में 154 रनों की धमाकेदार पारी खेली और उनकी टीम ने 121 रनों की एकतरफा जीत हासिल की। रविंद्र जडेजा ने 15वें ओवर में नीलम वामजा की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए। रविंद्र जडेजा की धुआंधार पारी की बदौलत जामनगर ने 20 ओवरों में 239/6 का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में अमरेली की टीम 118 रन ही बना सकी। जडेजा ने अपनी पारी में 15 चौके और 10 छक्के लगाए और 154 में से 120 रन सिर्फ बाउंड्री की मदद से बनाया। गौरतलब है कि जडेजा जामनगर की तरफ से ओपनिंग करने आए थे और 19वें ओवर में आउट हुए। रविंद्र जडेजा के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी 3 तिहरे शतक का शानदार रिकॉर्ड दर्ज है। रविंद्र जडेजा फिलहाल भारत की एक दिवसीय और टीवी टीम से बाहर चल रहे हैं और सिर्फ टेस्ट टीम के नियमित सदस्य हैं। भारत के लिए जडेजा ने आखिरी एक दिवसीय और टीवी अंतर्राष्ट्रीय जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था और उसके बाद 10 अश्विन के साथ सीमित ओवर क्रिकेट से उन्हें दूर कर दिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने के बाद जडेजा अब जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जनवरी में होने वाली टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेंगे। अब देखना है कि दक्षिण अफ्रीका दौरे पर होने वाली एक दिवसीय और टीवी सीरीज के लिए टीम में उनकी वापसी होती है या नहीं।